दोस्तों, गोल्डन रूल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आदत रस्सी की तरह होती है, हम हर दिन इसका एक धागा बनते हैं और अंत में यह इतनी मजबूत हो जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम यह है कि प्रकृति सभी आदतों को स्थायी बना देती है, ताकि एक बार आदत पड़ जाने के बाद वे अपने आप चलती रहें। व्यक्ति चाहे कहीं भी हो और कुछ भी हो, अपने विचार और काम करने की आदतों के कारण होता है। इस पूरी फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति ऐसी आदतें डाल ले ताकि वह वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर अपनी मनचाही स्थिति तक पहुंच जाए, ताकि आज वह जो है उससे आगे बढ़कर वह व्यक्ति वह बन जाए जो वह जिंदगी में बनना चाहता है। ब्रह्मांड की आदतें कभी नहीं बदलती हैं और इंसान उन्हें किसी तरह से नहीं बदल सकता। ब्रह्मांड की 5 वास्तविकताएं हैं, समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और बुद्धि। इन 5 मूलभूत तत्वों के माध्यम से प्रकृति हर चीज बनाती है, फिर चाहे वह रेत का कण हो या अंतरिक्ष में घूमने वाले बड़े सितारे हों। और इस शक्ति के द्वारा ही प्रकृति परमाणुओं, सितारों और ग्रहों का आपस में बांधे रखती है। इसी के द्वारा यह निरंतर कार्य करती रहती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, चाहे दिन हो या रात, चाहे सेहत खराब हो या अच्छी, चाहे जिंदगी हो या मौत। इसी शक्ति के कारण ही सभी आदतें और मानवीय संबंध किसी न किसी हद तक स्थायी बने रहते हैं। जो लोग सफलता के संदर्भ में सोचते हैं और कार्य करते हैं, उनके करीबी संपर्क में आकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, भले ही वह अतीत में कितनी भी बार असफल हो चुका हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम सफल व्यक्ति की सफलता की चेतना को असफल व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, और इस तरह सफल व्यक्ति के करीबी संपर्क में रहने से असफल व्यक्ति भी सफल हो सकता है। अगर व्यक्ति समृद्धि और प्रचुरता के बारे में सोचेगा तो यही नियम उसके विचारों को उनके भौतिक रूप में बदल देगा। इसी तरीके से व्यक्ति अपने विचारों को आकार देने के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को आश्चर्यजनक सीमा तक नियंत्रित कर सकता है। जब ये विचार निश्चित आदतों में ढल जाते हैं तो आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता है और इन आदतों को स्थायी बना देता है, जब तक कि दूसरे और ज़्यादा प्रबल विचारों से उन्हें न बदला जाए। अब हम एक गहरी सच्चाई पर विचार करते हैं कि बड़ी सफलता ज़्यादातर लोगों को सिर्फ तभी मिलती है जब वे किसी ऐसी त्रासदी या संकट की स्थिति से गुजरते हैं जो उनकी आत्मा को गहराई तक छू लेती है और उन्हें असफलता की कगार तक ले जाती है। अच्छी सेहत सेहत की चेतना का परिणाम है। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो इसके बारे में लगातार अच्छा सोचें। अगर आप दौलत चाहते हैं तो आप दौलत की चेतना के बारे में सोचें। आप जो भी चाहते हैं, सबसे पहले तो उसकी चेतना जागृत करें, इसके बाद ही आपकी इच्छाएं साकार होती हैं। चेतना आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसे अपने विचारों को दोहरा कर उत्पन्न करना होगा। आप चाहे तो इसे चिंतन के माध्यम से भी उत्पन्न कर सकते हैं। यह महान दार्शनिक ने कहा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गरीबी या बीमारी को स्वीकार करना आस्था के अभाव का सूचक है। गरीबी या बीमारी को स्वीकार करना आस्था के अभाव का सूचक है। हम आस्था के बारे में बोलते तो बहुत हैं, लेकिन अपने शब्दों के अनुरूप काम नहीं करते हैं। आस्था सिर्फ पकारों के माध्यम से ही स्थायी बन सकती है। कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। हम जहां हैं और जो हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। अपनी आदतों को बदलकर और विकसित करके हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। मस्तिष्क की शक्ति हमेशा जिंदगी की नदी के इस या उस किनारे पर सक्रिय रहती है।
इस फिलॉसफी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति विचार और कर्म की ऐसी आदतें विकसित करे जो उसके मस्तिष्क को नदी के सफलता के किनारे पर केंद्रित रखे। हर मनचाही चीज की तरह इस फिलॉसफी में निपुणता की भी कीमत चुकानी पड़ती है और यह कीमत लाभ मिलने से पहले चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत सतर्कता, संकल्प और लगन। इसकी कीमत है गरीबी, दुख और मोहभंग के विकल्प को स्वीकार करने के बजाय जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा होना। हर व्यक्ति के पास जिंदगी के साथ संबंध बनाए रखने के दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह है कि व्यक्ति घोड़ा बन जाए और जिंदगी को अपने ऊपर सवारी करने दे। दूसरा विकल्प यह है कि व्यक्ति सवार बन जाए और जिंदगी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करे। व्यक्ति घोड़ा बनेगा या सवार, यह विकल्प हर व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन यह बात तय है, अगर व्यक्ति जिंदगी को घुड़सवार बनने का विकल्प नहीं चुनता है तो निश्चित रूप से जिंदगी उसे घोड़ा बनने के लिए मजबूर कर देगी। जिंदगी या तो व्यक्ति पर सवारी करती है या फिर व्यक्ति को अपने ऊपर सवारी करने देती है। यह चुपचाप खड़ी नहीं रहती है। विचार वे पत्थर हैं जिनसे इंसान का अहम बनता है। आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति वह सीमेंट है जो निश्चित आदतों द्वारा इन पत्थरों को स्थायी रूप से जोड़ती है। जब काम पूरा हो जाता है तो साकार होने वाली चीज उन विचारों की प्रकृति के अनुरूप होती है जिनके द्वारा इसे बनाया गया है। जिस तरह मिट्टी में बोए गए बीजों को अंकुरित होने और पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह मस्तिष्क में बोए गए विचारों और इच्छाओं की आदत की ब्रह्मांडीय शक्ति के नियम द्वारा सजीव व सक्रिय होने में समय लगता है। इसलिए एक निश्चित और अच्छी आदत को निरंतर अपने जीवन में बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।